स्टडी कर, मैं आज आपके लिए आर्मी जीडी क्रैश कोर्स का रीजनिंग डे 11 लेकर आया हूं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे 121 112 के बाद ये कौन सी संख्या होगी ये बता देंगे। ठीक है, तो पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 121 और 112 फिर डैश फिर 97 फिर 91 फिर 86, तो मतलब पैटर्न नेगेटिव की तरफ जा रहा, मतलब घट रहा है। ठीक है, तो 121 में से 9 घटाएंगे तो 112 आएगा। ठीक है, 112 में से कुछ नहीं घटा रहे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ का भी नहीं पता। 97 में से 91 घटाएंगे तो -6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 91 और 86 में -5 आएगा, तो इस पैटर्न के हिसाब से -9 -8 -7 -6 और -5, ये तो नेगेटिव का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 112 में से अगर -8 करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 104। ठीक है, फिर 104 में से -7 करते हैं तो क्या आएगा 97। ठीक है, तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने वेरीफाई करने के लिए किया कि जो मैं करा रहा हूं या फिर जो मैं सॉल्व कर रहा हूं क्या वो सही है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 104। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, जेड और वाई, ए और बी, वाई और एक्स और डी और सी। तो ये पैटर्न देखो, जेड से -1 हुआ, वाई से -1 हुआ, एक्स से -1 हुआ, डब्ल्यू से -1 हुआ। ठीक है, तो -1 डब्ल्यू से क्या करेंगे V। ठीक है, A से +1 हुआ, B से +1 हुआ, C से +1 हुआ, D से +1 होगा, तो +1 में D से क्या आएगा E। तो ये जो मिसिंग प्लेस है, इस मिसिंग प्लेस पे V और E आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर E ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक निश्चित पूर्ण भाषा में प्रेस को इस तरह से लिखा जाता है, तो रेस्पायर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसमें से हम निकाल लेंगे कि किस वर्ड को, किस अल्फाबेट को क्या लिखा है, लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम रिपेयर को लिखते हैं। रिपेयर में आर, आर को एट द रेट लिखेंगे, ई को मॉड्यूलस लिखेंगे, ठीक है, पी को हम हैशटैग लिखेंगे, ए को हम डॉलर साइन लिखेंगे, आई को हम 2 लिखेंगे और आर को हम 7 लिखेंगे। तो हम रिपेयर को इस भाषा में क्या लिखेंगे, एट द रेट मॉड्यूलस हैशटैग डॉलर साइन 27, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक पंक्ति में सुमित बाएं से 12वें नंबर पे खड़ा है, तो लेफ्ट साइड से वो 12वें नंबर पे है और दाएं से 13वें स्थान पर है, दाएं से 13वें स्थान पर है। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक ही व्यक्ति दो तरीके से गिना गया है, बाएं से और दाएं से। ठीक है, तो वो दो बार गिन लिया गया, तो हमें बताने कितने छात्र हैं एक्चुअल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा L प्लस R माइनस 1। ठीक है, L क्या, लेफ्ट से उसकी रैंकिंग क्या है और राइट से उसकी रैंकिंग क्या है। लेफ्ट से उसकी रैंकिंग है 12, राइट से उसकी रैंकिंग है 13, माइनस 1 कर देंगे 25, माइनस 1 24, तो इसमें टोटल 24 छात्र होंगे इस रैंकिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, पैटर्न है, तो देखते हैं, ए बी सी, ई एफ जी, आई जे के, एम एन ओ, ठीक है, क्यू आर एस। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो ए बी सी डी छोड़ दिया, सी में प्लस 2 कर दिया। ठीक है, फिर ई एफ जी एच, एच छोड़ दिया, प्लस 2 कर दिया जी में। ठीक है, आई जे के एल छोड़ दिया, ठीक है, प्लस 2 कर दिया। एम एन ओ, इसमें इसमें पी छोड़ दिया, इसमें प्लस 2 कर दिया, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, तो इसका अगला पद जो होगा वो क्यू आर एस होगा, इसका करेक्ट आंसर क्यू आर एस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ए वाई एस को बी ए टी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ए वाई एस को हम लिखते हैं बी ए टी। अब ये पूछ रहा है बी वाई एस को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ए में क्या किया, प्लस 1 किया, y में क्या किया, प्लस 2 किया, s में क्या किया, प्लस 1 किया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, b में प्लस 1 करेंगे c। ठीक है, y में प्लस 2 करेंगे, y में प्लस 2 करेंगे a, s में प्लस 1 करेंगे t, तो इसका करेक्ट आंसर होगा b y s को हम लिखेंगे c a t।
ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है प्लस वन माइनस टू, इसी तरीके का पैटर्न होगा, आपको बस देखना होगा कि पैटर्न किस टाइप का है, बस पैटर्न फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो ये एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, मान लेते हैं विजय यहाँ पे खड़ा, ये खड़ा भाई विजय, ये रहा, ठीक है, ये विजय खड़ा, ये दक्षिण की ओर चलता है, मतलब दक्षिण नीचे की ओर चलेगा, अगर हम ऐसे करें तो नीचे की ओर दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिण की ओर कितना चलता है 5 किलोमीटर, ठीक है, तो वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मतलब सीधे हाथ पे, ठीक है, तो यहां वे 3 किलोमीटर दाएं की ओर चलता है, ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, अगर कोई बंदा इस साइड चल रहा है तो फिर वो दाएं की ओर मुड़ेगा, तो इस साइड मुड़ेगा, ठीक है, तो वो इधर मुड़ेगा, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर चल गया। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, डायरेक्शन नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में दो ही चीज पूछता है, या तो दूरी पूछेगा या फिर पूछेगा किस दिशा, ठीक है, डायरेक्शन पूछेगा, दिशा दिशा पूछेगा किस डायरेक्शन में है, तो इस समय पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है, तो 3 किलोमीटर तो ये हुआ, 5 किलोमीटर ये था, 5 किलोमीटर ये था, मतलब मैच हो रहा है, तो ये अभी शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3 किलोमीटर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।